और हम ये भी जानते हैं कि मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज वही होती हैं जो किसी कंपाउंड या एलिमेंट की होती हैं तो अब हम मॉलिक्यूल्स की मुख्तलिफ टाइप्स को देखने जा रहे हैं अगर एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक, एक एटम पर मुश्तमिल हो तो उसे हम मोनाटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं फॉर एग्जाम्पल इनर्ट गैसेज जैसा कि आर्गन और नियॉन है बेसिकली पीडिक टेबल में मौजूद ग्रुप एट के तमाम एलिमेंट्स मोनाटोमिक मॉलिक्यूल्स की सूरत में होते हैं अगर एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स हों तो फिर उन्हें डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है हाइड्रोजन एच टू ऑक्सीजन ओ टू क्लोरीन Cl2 टू और हाइड्रोजन क्लोराइड एच सी एल और कार्बन मोनोऑक्साइड सी ओ ये सभी डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की एग्जाम्पल्स हैं आगे बढ़ते हैं अगर एक मॉलिक्यूल तीन एटम्स रखता हो तो उसे ट्रायाटोमिक मॉलिक्यूल्स कहा जाता है एग्जाम्पल वाटर एच टू ओ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल कई एटम्स पर मुश्तमिल हो यानी कि तीन से ज्यादा एटम्स पर तो हम उसे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं फॉर एग्जाम्पल मीथेन सी एच फोर सल्फ्योरिक एसिड एच टू एसओ फोर ग्लूकोस सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स इसके अलावा बात करें तो अगर एक मॉलिक्यूल सेम टाइप के एटम पर मुश्तमिल हो फिर हम उसे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं एग्जाम्पल हाइड्रोजन एच टू ओजोन ओ थ्री सल्फर एस एट फॉस्फोरस पी फोर होमो मॉलिक्यूल्स की एग्जाम्पल्स मौजूद हैं और अगर मॉलिक्यूल मुख्तलिफ टाइप के एटम्स पर मुश्तमिल हो तो फिर हम उसे हैट्रो मॉलिक्यूल कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड सी ओ टू वाटर एच टू ओ अमोनिया एनएच थ्री हैट्रो मॉलिक्यूल्स की कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स मैं इस लेक्चर को यहाँ खत्म करता हूँ, लेकिन मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा